Welcome to speedearning.in. Today we shall discuss the screen formation for trading. So in case of stock market, it should be very special, and in case of M6 or commodity, we shall have to take care. So what are the basic principle of screen formation market watch? जो market watch आप बनाते हैं, जिस पर आप trading करते हैं, उसको अगर आपने systematic बना के रखा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा help करता है आपको. screen formation का पहला principle, stock market के लिए हर major sector से एक large cap और एक mid cap को screen पर लगाएं, ताकि अगर कोई sector बढ़ता हुआ है या घटता हुआ है तो वो अनदेखा ना रहे. तो आपने किसी भी sector से, जैसे oil and gas से, तो आपने वहाँ पे अगर RIL को ऊपर लगा रखा है तो एक मिड कैप में पेट्रोनेट, LNG है, ऐसी किसी चीज़ को लगा के रख सकते हैं. बैंकों में अगर आपने ऊपर ICICI SBI को लगा रखा है तो इधर देना बैंक, यूको बैंक को लगा के रख सकते हैं. फिर सबसे ऊपर निफ्टी को लगा लीजिए, क्योंकि निफ्टी पूरे मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रही है. सेंसेक्स को भी लगाया जा सकता है. सेंसेक्स में आपको मूवमेंट तो थोड़ा और बड़ा दिखता है, पर सेंसेक्स को हम इंडेक्स व्यू में ऊपर लगा के रखते ही हैं. और निफ्टी फ्यूचर में यहाँ अवेलेबल है, वैसे तो सेंसेक्स भी अवेलेबल है पर उतना पॉपुलर नहीं है. सबसे ऊपर निफ्टी, फिर रिलायंस, ONGC, SBI, LNT जैसे हैवी वेट लगा लीजिए. हर एक स्क्रिप्ट का अपना एक वेटेज होता है. जिन 30 स्क्रिप्ट से सेंसेक्स बना हुआ है, हर स्क्रिप्ट का सेंसेक्स पे उतना ही असर नहीं है. अराउंड 10-11% वेटेज रिलायंस का है, RIL का, अकेले का. तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ता है या घटता है तो सीधा सीधा वो सेंसेक्स को ऊपर या नीचे लेके जा सकता है. तो यहाँ ऊपर आपने जो हैवी वेट लगा रखे हैं, दूर से ही अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं 10 फीट दूर से, और आपको अगर रेड कलर दिखता है ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि सेलिंग आ रही है. ऊपर अगर ग्रीन कलर दिखता है तो एकदम से अंदाज़ा लगता है कि नहीं, बाइंग आ रही है. कलर्स आपको इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपका दिमाग चीज़ों को जल्दी समझ सके, क्योंकि यहाँ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है. 2-5 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. स्क्रीन पे 50-70% 50-70% जो स्टॉक्स हो वो निफ्टी या सेंसेक्स से लीजिए, लार्ज कैप से, ताकि हम ज़्यादा कमज़ोर मिड कैप में ना उलझें. एक सब ब्रोकर के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर वो बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप वहाँ लगा के रखता है तो उसके जो क्लाइंट्स हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप में उलझ जाएंगे, और फिर 6-6 महीने तक उनका पैसा फंसा रहेगा, आपका बिजनेस भी उलझ के रह जाएगा, आपको ब्रोकरेज फिर रेगुलर नहीं मिल पाएगी, उनको भी नुकसान होगा. नई लिस्टिंग में आप BSE या NSE का सर्कुलर नोटिस देख के जो न्यू लिस्टिंग है उसको चेक करें, और पहले ही IPO कैलेंडर से पता कर सकते हैं कि कौन सी लिस्टिंग आने वाली है. उसको जिस दिन लिस्टिंग होने वाली है उसी दिन लगा लीजिए, क्योंकि लिस्टिंग के पहले दिन जो मूवमेंट्स होते हैं वो बाद में आगे 3-6 महीने तक भी देखने को नहीं मिलते. तो उस मूवमेंट का फ़ायदा उठा के हम काफ़ी पैसा बना सकते हैं. एक ही सिस्टम होने पे कई बार तो ऐसा होता है ब्रोकर्स के या फिर बड़े ट्रेडर्स के यहाँ पे कैश का स्क्रीन अलग है, F&O का स्क्रीन अलग है. लेकिन अगर आपका एक ही सिस्टम है वो सब कुछ, कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट, कमोडिटी और करेंसी का एक ही स्क्रीन बना के चल रहे हो, ये भी पॉसिबल है. तो एक ही सिस्टम होने पर निफ्टी लगा लिया, एक एक लार्ज कैप शेयर ले लिया, निफ्टी के 2 मोस्ट एक्टिव कॉल पुट ले लिए, बैंक निफ्टी के कॉल पुट ले लिए, और रेगुलर मूवमेंट वाले स्टॉक ऑप्शन भी लगा सकते हैं. हम रेगुलर मूवमेंट वाले शेयर्स लगा दिए, उन शेयर्स के कॉल पुट भी लगा लिए, जो आपको अभी लगता है कि इन दिनों जिसमें ज़्यादा मूवमेंट है, जो सबसे ऊपर सेक्टर है उसके कॉल, उस स्टॉक के कॉल पुट लगा लिए, सबसे नीचे जो सेक्टर है उसके कॉल पुट लगा लिए, ऐसे आप काम कर सकते हैं. और एक जैसी प्राइस रेंज वाले शेयर्स को दूर दूर लगाइए, नहीं तो कई बार आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ चल रही है आपका 22-23, दूसरी चीज़ चल रही थी 27-28, अब दोनों थोड़ा सा बढ़ते घटते घटते 24-25 हो गए. तो ये हो सकता है जल्दबाजी में कि आप गलत चीज़ को बेच दें, गलत चीज़ को खरीद दें. हर सुबह व शाम को 10-10 मिनट देकर स्क्रीन को रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी अरेंज करें स्क्रीन को, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन बिखर जाएगी. तो जैसे घर को जमाया जाता है वैसे स्क्रीन को भी जमाने की ज़रूरत पड़ती है, खासतौर पे स्टॉक मार्केट के केस में, क्योंकि कोई मूवमेंट आया, नई खबर आई, आपने नई स्क्रिप्ट लगाई, और किसी स्क्रिप्ट के अगर पोजीशन नील हुआ, आपने उसको हटा दिया, तो धीरे धीरे चीज़ें बिखर जाएगी. तो उसको फिर से रीअरेंज कर लेंगे, और हर रोज़ आती जाती खबरों के साथ स्क्रीन बिखरती है,
किसी भी चलते सेक्टर के ज्यादा शेयर स्क्रीन पे लगाए जा सकते हैं। अब मैं कमोडिटी मार्केट की बात करता हूँ, तो कमोडिटी मार्केट में आप यहाँ स्क्रीन पे ध्यान दें कि ये स्क्रीन हमने किस तरीके से बनाई हुई है। कमोडिटी मार्केट में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए सबसे ऊपर सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो, उसके बाद में क्रूड ऑयल जनवरी और दिसंबर का महीना लगा के रखा है, कॉपर मिनी, निकल मिनी साथ में, फिर गैप है, फिर आप देख रहे हैं गोल्ड गुनिया, गोल्ड, गोल्ड मिनी साथ में है, एनजी जनवरी, एनजी दिसंबर जिसमें ज़्यादा हेजिंग की ज़रूरत पड़ती है उनको हम सामने ही लगा के रख रहे हैं, फिर जिंक मिनी, लेड मिनी, और आप चाहें तो गोल्ड पेटल को भी गोल्ड मिनी के साथ में, गोल्ड गुनिया के साथ में लगा के रख सकते हैं। यहाँ इंडाइसेस व्यू आपको नज़र आ रहा है, तो आपको एक नज़र में सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि आप सिल्वर और गोल्ड को अगर साथ में लग रहे हैं, रख रहे हैं, तो बुलियन सेक्टर आपका साथ साथ हो गया। आपने यहाँ कॉपर मिनी, निकल मिनी और ये जिंक मिनी, लेड मिनी इन सबको साथ में रख लिया तो आपका बेस मेटल सेक्टर बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। एनजी साथ में, एनर्जी साथ में, इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं। और एक चीज़ हम सजेस्ट करेंगे आपको कि स्क्रीन पे प्राइजेस वगैरह देखने की बजाय आप कंट्रोल आई करके दो या तीन चार्ट अरेंज करके रख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जैसे मैंने एक चार्ट यहाँ पे खोला है, ये चार्ट ओपन किया, इसको नीचे लाके और यहाँ लगा के रख दिया। ये एक चार्ट यहाँ अरेंज हो गया। अब मैंने कोई दूसरा चार्ट खोला, सपोज गोल्ड मिनी का, कंट्रोल आई किया और मैंने दूसरा चार्ट भी लगा के रख दिया। इसको आप यहां स्ट्रेच करें, ऐसे सेट करें और स्क्रीन में यहां लाके लगा के रख सकते हैं। सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, कई सारे सक्सेसफुल ट्रेडर ने एक बहुत अच्छा काम किया है। अब कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने इस तरीके से काम किया कि उन्होंने यहाँ चार चार्ट लगा के रख लिए, वो प्राइस को देखते ही नहीं है। अगर आपको पता लगा कि ये पर्टिकुलर लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस इसने तोड़ा कि अब बस आप यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, एकदम से मूवमेंट आता है, प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके बाद जाके आप देखते हैं प्राइस क्या हो रही है। तो ये एक तरीका है जहाँ आप बहुत तेज़ी से अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये मार्केट वॉच मैंने आपको कमोडिटी इंडेक्स के लिए बता दिया, कमोडिटी मार्केट के लिए बता दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।